हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कुछ ऐसी वैकेंसीज के बारे में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से आई हैं। जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से काफी सारी फार्मासिस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं। जानेंगे उनका पूरा डिस्क्रिप्शन कि क्या जॉब प्रोफाइल होने वाला है, मीन्स की क्या उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है, क्या उसमें हमें पे स्केल होने वाला है, उन सबका डिस्क्रिप्शन आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल फार्मेसी इंडिया पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए लेटेस्ट फार्मा अपडेट्स के लिए, चाहे वो आपकी जॉब से रिलेटेड है या वो आपकी एकेडमिक से रिलेटेड है, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश होती है कि सबसे पहले और सबसे तेज हम आपके साथ कोई भी फार्मा अपडेट आता है तो वो हम आपके साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो वैकेंसी आई है वो आई है हमारी कैंटोनमेंट बोर्ड दक्षा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट सोलन हिमाचल प्रदेश। जो पोस्ट होने वाला है वो है फार्मासिस्ट एलोपैथी, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। अगर हम बात करें पे स्केल की तो पे स्केल बहुत अच्छा होने वाला है, 29,700 रुपीज टू 94,100 रुपीज। अगर हम बात करें इसकी एज लिमिट की तो एज लिमिट होने वाली है 21 से 30, 21 से 30 इयर्स तक। अब बात करते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है कि इसमें हमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। आपका 10+2 पास होना चाहिए साइंस या जो इक्विवेलेंट सब्जेक्ट्स होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी बोर्ड से। साथ ही साथ आपके पास या तो बैचलर डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए, मींस कि या तो आप बी फार्मा होने चाहिए या आप डी फार्मा होने चाहिए किसी भी स्टेट से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है, मींस कि जब आप अपना डिग्री कंप्लीट करते हैं, चाहे वो आपने बैचलर किया है या आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है, तो आप अपने आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। तो यहाँ एज सच कोई कंपल्शन नहीं है कि सिर्फ हिमाचल प्रदेश से ही आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आप किसी भी स्टेट से या फिर सेंट्रल, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फार्मेसी काउंसिल है वहां से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आप इस पोस्ट के लिए, और एज सच यहां पर कोई एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा है, इट मींस कि यहां पर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो लोग इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं वो अभी इसको फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ अब मैं बात करूं नेक्स्ट जॉब की, जो होने वाली है आपकी कैंटोनमेंट बोर्ड देहरू रोड, जो है बेसिकली हमारा पुणे महाराष्ट्र में। ये जो पोस्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से, मींस की सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से आई है, और जो लास्ट डेट होने वाला है इस जॉब के फॉर्म को फिल करने के लिए वो 31 जनवरी 2023 शाम के 6 बजे तक ही ये इसका फॉर्म ओपन होने वाला है। अब बात करें इसकी पोस्ट की, तो फार्मेसी ऑफिसर के लिए इसकी वैकेंसीज आई है, और जो पे स्केल होने वाला है वो 29,200 रुपीज टू 92,300 रुपीज एक आई है। और अगर बात करें इसकी एज लिमिट की तो 21 से 30 साल और जनरल कैटेगरी के लिए ये जॉब आई है। अब बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी में किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, मींस कि यहां पर बी फार्मा वाले एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आपका जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट जो आप कहलाते हैं, तो किसी भी स्टेट से या किसी भी आपका फार्मेसी काउंसिल से आपका होना चाहिए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहां पर भी जो बी फार्मा कंप्लीट किया हुआ है वो लोग भी यहाँ फ्रेशर्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जॉब की मैं बात करता हूं, तो वो आई है हमारी कैंटोनमेंट बोर्ड जो धोग कैंट से, मीन्स की जितनी ये वैकेंसीज है वो सब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से ही आई है। पोस्ट है फार्मासिस्ट की, और यहां पर भी एक वैकेंसी आई है, पे स्केल बहुत अच्छा है, 29,700 रुपीज टू 94,100 रुपीज। एज लिमिट यहां पर भी 21 से 30 साल है। अब बात करें इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की या एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो 10+2 आपका साइंस में या किसी भी इक्विवेलेंट बोर्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, या तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा, यानी कि या तो आप बी फार्मा हो या आप डी फार्मा हो, तो यहां पर ये दोनों एलिजिबल है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इसमें जो आपका रजिस्ट्रेशन मांगा है वो किसी भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, चाहे वो आपकी स्टेट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, तो यहां से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। आप इनमें से किसी भी फार्मेसी, पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए किसी भी स्टेट की फार्मेसी काउंसिल से, और साथ ही साथ यहां पर भी फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से वैकेंसीज आई हैं, तो जल्दी से जल्दी आप अपनी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लीजिए, इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लीजिए। तो बहुत अच्छा सुनहरा मौका है आपके पास, घबराने की जरूरत नहीं है। लिंक मैंने यहां पर तीनों वैकेंसीज के लिए मेंशन कर दिया है, तो आप इन तीनों लिंक्स पर जाकर पूरा डिटेल में
पढ़ सकते हैं उनके बारे में, साथ साथ आप उस जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। आप अगर किसी अन्य फार्मेसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए आप तैयारियां कर रहे हैं, प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो आपको उसकी तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए लास्ट ईयर के क्वेश्चन बैंक्स की नीड होती है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक्स की नीड होती है, तो वो हम आप तक पहुंचा सकते हैं एट जस्ट 1 रुपी। लेकिन सर हम आपसे जुड़ेंगे कैसे, हमें कैसे आपसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक्स मिलेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 2 ही काम करने हैं। सबसे पहला आप हमारा फार्मेसी इंडिया ऐप डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल से प्ले स्टोर पर जाकर, उसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके माध्यम से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक्स मिल सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 8006781759 इसको सेव कीजिए, और इसमें सेव करने के बाद व्हाट्सएप पे कैपिटल लेटर्स में पी इंडिया टाइप कर भेज दीजिए, इसके माध्यम से भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक्स मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप हमसे जुड़ जाएंगे और आप तक लेटेस्ट फार्मा अपडेट्स पहुंचते रहेंगे। तो इसी तरीके की मोर अपडेट्स के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया के साथ। डरने की है क्या बात, फार्मेसी इंडिया है आपके साथ।